डाल्टनगंज में ओरिजिनल रत्न और उपरत्न खरीदना अब हुआ आसान। पुखराज, नीलम, मानिक मुंगा, गोमेद, हीरा, मोती, लसुनिया आदि की खरीदारी के लिए संपर्क करें। जयपुर जेम्स, मदन मोहन रोड नियर आजाद रोड, डाल्टनगंज। बरवाड़ी से आनंद कुमार की रिपोर्ट। बरवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस ड्राइवर शशि कुमार को नहीं लगा कोरोना का टीका। 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर को जब कोरोना का टीका नहीं मिल पा रही है तो आम जनता कैसे ले पाएंगे। जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सभी को कोरोना का वैक्सीनेशन लेने के लिए बोल रहे हैं, वही प्रखंड बरवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही लापरवाही। रेलवे हॉस्पिटल बरवाड़ी के एम्बुलेंस ड्राइवर शशि कुमार जो अपनी ड्यूटी से 2 घंटे का अवकाश लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाड़ी में कोरोना का टीका लेने गए, घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब 10 की संख्या पूरी हुई तो इनका कार्ड बना। कार्ड बनने के 1 घंटे बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार करते रहे। रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद भी उनका नाम वैक्सीनेशन के लिस्ट में नहीं आया। तब शशि कुमार ने पूछताछ की तो पता चला कि पीछे से आए हुए किन्हीं 2 व्यक्तियों का नाम दर्ज कर दिया गया है, जिस कारण से शशि कुमार का नाम वैक्सीनेशन लिस्ट में नहीं दर्ज हो पाया। जब वह पुनः वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए गए तो उनको बोला गया कि जब तक 10 का स्लॉट पूरा नहीं होता तब तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, जिस कारण एम्बुलेंस ड्राइवर शशि कुमार वापस बिना टीका लिए अपने ड्यूटी पर लौट गए, जिसकी शिकायत जिला उपायुक्त लातेहार को भी व्हाट्सएप के जरिए शशि कुमार ने की। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि कुमार। सर आज आपने बिना वैक्सीनेशन लिए आप हॉस्पिटल परिसर से क्यों आ गए? सर इसके पीछे क्या कारण है कि मैं बरवाड़ी रेलवे हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ और मैंने अपने ड्यूटी आवर में से कुछ घंटे का समय लेकर और मैं बरवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का वैक्सीन लेने गया। जब मैं वहाँ पर कोरोना का कार्ड बनवाया, घंटों लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद कार्ड बनने के बाद कार्ड की संख्या 10 पूरी हो गई। 10 की संख्या पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कार्ड गया। जब वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए कार्ड गया तो उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करने में लगभग आधा से 1.25 घंटे का समय लगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। उसके बाद जब मैं पूछताछ किया वहां तो पूछताछ के बाद पता चला कि 10 की संख्या पूरने के बाद भी एक्स्ट्रा पीछे से आए लोगों का उसमें नाम एंट्री किया गया, जिसके बाद वहां पर मैं लाख बोला उन लोगों को कि मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूं, मुझे दे दिया जाए क्योंकि मेरा इमरजेंसी ड्यूटी है। उसके बाद भी मेरा किसी ने नहीं सुना और उसके बाद दोबारा अगर मैं इंजेक्शन लेने के लिए अगर फिर से रजिस्ट्रेशन करवाऊं तो फिर से मुझे 2 से 3 घंटा की समय चाहिए। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं या जो इस आवाज को उठा नहीं पा रहे हैं या इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको यही लगता है कि मेरा नंबर नहीं आया और वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं, वापस रिटर्न आ जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे दूर दूर क्षेत्र के भी लोग आते हैं जो कि वहां पर वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं बस इसी वजह से। क्या जो आपके साथ ये परेशानियां आपको हुई, आपको इसमें क्या लगता है कि किसकी गलती है? वहां तो 2 मैडम बैठी हुई थी, मैडम ने मेरा आधार कार्ड लिया, नाम एंट्री किया, कार्ड बना दिया और बोला कि 10 का संख्या पूर्व गया, रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है। लेकिन वहां पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है रंजीत कुमार विश्वकर्मा, गलती उसकी है क्योंकि वही पीछे से 2 आदमी घुसाया और जब मैंने उसे बोला कि ऐसा क्यों किए तो नहीं ये पहले से था ऐसे वैसे करके बहस करने लगा। और जब मैंने दोबारा अगर मैडम से पूछा कि मैडम देखिए, तो मैडम भी गुस्सा होने लगी, वो भी बोली कि नहीं ये तो 10 का कार्ड संख्या पूरा हो गया था तो बीच में घुसाना ही नहीं चाहिए था किसी का, आप तो पिछले वाले नंबर में थे। इस तरीके से और स्थानीय लोगों के साथ भी ऐसा होता है? हाँ, गाँव के 1-2 और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। मैं सोचा कि बाय मिस्टेक हो सकता है। आप इमरजेंसी सेवा के मेरा 24 घंटा का ड्यूटी है, मेरा कभी भी कॉल आ जाता है इमरजेंसी मुझे लेकर जाना पड़ता है। तो आप अभी बिना इंजेक्शन लिए हुए आगे? बिना मैं इंजेक्शन लिए वापस आ गया क्योंकि मेरी ड्यूटी है। आप ड्यूटी कहाँ करते हैं? बरवाड़ी के रेलवे हॉस्पिटल में। चलिए ठीक, धन्यवाद।